हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सो वेलकम टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एलयू अपडेट। एंड एज वी ऑल नो दैट कि आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम के डेट शीट आ गए हैं, और आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है आई थिंक 26 दिसंबर से हैं। आप लोग देख लीजिएगा अपने डेट शीट में कब से मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ सेमेस्टर वन, ठीक है। आई बात समझ में। और जैसा मैंने आपसे बोला भी था कि जैसे डेट शीट आ जाएगी उसके तुरंत बाद मैं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो चलिए देखते हैं कि आपके, मैं अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन बताऊंगा, और अगर आप इसमें से आप कर ले जाते हो इतना क्वेश्चन, सो 100% ये गारंटी है कि आपके 5 to 8 क्वेश्चन जो हैं मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला सब्जेक्ट है आपका पहले सेमेस्टर में वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, और बस मैं इस वीडियो लेक्चर में बस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जितना मैं ये टॉपिक आज बता रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में, ये सारे टॉपिक और प्लस जो रिमेनिंग टॉपिक बचेंगे आपके पूरे सेमेस्टर के पूरे सिलेबस के, वो भी मैंने एलयू अपडेट ऐप पे करा रखा है, ठीक है। सो अगर मैं ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर इसके आपको आंसर चाहिए कि या कंटेंट चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट इन द सेमेस्टर एग्जाम, देन प्लीज विजिट ऑन द एलयू अपडेट ऐप, ठीक है, वेयर वी हैव कवर्ड दी होल सिलेबस, ठीक है, ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट एज वेल एज सेमेस्टर थर्ड, ठीक है। और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, आप लोग पढ़ के जाइएगा, मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पेन कॉपी पे इसको साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन हो गया, ठीक, पहला क्वेश्चन। अब नेचर एंड स्कोप में मैंने बता रखा है, ऐप पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है इसका टोटली, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैंने इसको पढ़ाया है अच्छे तरीके से कि नेचर क्या होगा पॉलिटिकल साइंस का, वेदर इट इज साइंस और आर्ट, ठीक है, वेदर इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, वेदर इट इज साइंस और वेदर इट इज सोशल साइंस और नॉट, साइंस है या नहीं है, तो ये सब नेचर में हमें लिखना रहता है, ठीक है। और स्कोप मतलब एक कहाँ तक एक्सटेंड है, मतलब क्या क्या चीज़ों का स्टडी जो है पॉलिटिकल साइंस करता है। आई बात समझ में। क्वेश्चन सेकंड आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो आपके पहले यूनिट से ये दो क्वेश्चन जो है तय है कि आने हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी दैट कि एक्सप्लेन द मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो मेथड्स में क्या क्या आ जाएगा, सो ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखे थे, ठीक। और अप्रोचेज में क्या, मेथड में ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया, कॉम्परेटिव मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को मेथड्स में लिखने रहते हैं, ठीक। और आपको मेथड्स और अप्रोचेज में क्या डिफरेंस है ये भी बताने पड़ेंगे वहाँ पे। चलिए अब सेकेंड यूनिट में देख लेते हैं, तो क्वेश्चन थर्ड क्या बनेगा आपका कि डिफाइन स्टेट एंड ऑल्सो इलेबोरेट
इट्स इसेंशियल इसेंशियल एलिमेंट्स। आई बात समझ में? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया सेकेंड यूनिट से, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन फोर्थ विल बी, क्वेश्चन फोर्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिवाइन डिवाइन फोर्स एज अ सोर्स ऑफ एज अ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है। कि डिवाइन फोर्स, हाउ द डिवाइन फोर्स इज कंसिडर एज द वन ऑफ द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। आई बात समझ में? ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जो क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, जो आपको पढ़ के जाना है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? इसमें तीन थ्योरी आप लोग को पढ़ना रहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, किन किन लोगों का। सो हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में। तो मैंने तीनों लोग के बारे में पढ़ाया है, बट आपको सिर्फ हॉब्स और लॉक के बारे में ही पढ़ के जाना है कि व्हाट आर दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी विच इज गिवन बाय दी हॉब्स एंड लॉक, ठीक है। और इन दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि हॉब्स दिए हैं और लॉक दिए हैं, उन दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बीच में व्हाट आर द डिफरेंसेस, ठीक है, ये पढ़ के आना है। रूसो का आप लोग स्किप कर सकते हो। आई बात समझ में? अब आइए क्वेश्चन नंबर हम सिक्स से देख लेते हैं। क्वेश्चन सिक्स, सो क्वेश्चन सिक्स आप लोग का बनेगा वेलफेयर स्टेट के बारे में। देख लीजिएगा आप लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो ये छह क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए। सो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं फर्दर अब जा रहा हूँ सेवन्थ क्वेश्चन बताने, ठीक है। सो क्वेश्चन सेवेंथ, सो आपको पढ़ के जाना है व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर दी कंडीशन फॉर दी सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। आई बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन एट आप लोग का बनेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई बात समझ में? क्वेश्चन नाइन्थ आप लोग देख लीजिएगा।
ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं या ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इसमें से कोई एक आ सकता है, या तो एग्जीक्यूटिव पूछ देगा, या तो लेजिस्लेटिव पूछ देगा, या तो जुडिशरी पूछ देगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपका पूछे एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इसमें से आप तीनों करके जाइएगा, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 10 था, आप लोग देख लीजिए, इसमें आप लोग पढ़ के जाइएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी सोवरेनिटी, ठीक है, एंड जॉन ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी क्या होता, ये भी मैंने करा रखा है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, क्वेश्चन 11 देख लीजिए। क्वेश्चन 11 आप लोग के बनेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ, ठीक है, एंड व्हाट आर दी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लॉ, ठीक है। आई बात समझ में? ये इतना आप लोग पढ़ के जाइएगा ही जाइए, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम बचेगा तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं करके जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ लेंगे तो भी मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की व्हाट आर दी रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। ये एडिशनल क्वेश्चन है, आप लोग इसको करके जाइएगा तो भी ठीक है, नहीं करके जाएंगे तो भी ठीक है, बट ये टोटल जो 11th क्वेश्चन मैंने बताया है, इसको आपको करके जाना ही जाना है 100%, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब चलिए अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड विल बी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो कॉमा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? क्वेश्चन थर्ड आप लोग देख लीजिएगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। आई बात समझ में? क्वेश्चन फोर्थ देख लीजिएगा आप लोग, ये तो थर्ड है ना, क्वेश्चन फोर्थ आप लोग देख लीजिएगा, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इरेज हो गया सारा, फिर हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं,
क्वेश्चन फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड आप लोग देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो कॉमा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड आप लोग देख लीजिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन फोर्थ विल बी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंजप्शन, ठीक है, एंजप्शन, ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ विल बी व्हाट आर द रिवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व्स, ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन सिक्स विल बी डिटरमाइन प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन, ठीक है, आई बात समझ में। एंड क्वेश्चन सेवेंथ विल बी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्टेल्स एंड डंपिंग, ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन एट विल बी व्हाट इज द रिगार्डियन एंड मॉडर्न रेंट थ्योरी, आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। एंड क्वेश्चन नाइन्थ विल बी व्हाट इज द लिक्विडेटेड या लिक्विडेटेड प्रिफरेंस थ्योरी, ठीक है। सो ये आप लोग 9 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसको पूरा पढ़ लेते हो, अगर आपके पास अगर टाइम
बचेगा इसको पढ़ने के बाद से, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो स्टडी वन ऑफ द मोर क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक्स, दैट इज अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आई बात समझ में? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन 10 भी, यहाँ पे तो आएगा नहीं। क्वेश्चन 10 ये एडिशनल है, अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, यहीं पे एक ही स्लाइड में सही रहेगा। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ, या थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी हो गए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब देखते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लच कौन सा लगाएं हम, ये देखे से चल रहा है। हाँ ठीक है, रेड कलर तो ये भी है, वन सेकेंड। हिस्ट्री एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर हिस्ट्री सब्जेक्ट इज, आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इतना करके जाइएगा एटलीस्ट, ठीक है। अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो अगर आप इतना करके जाते हो, सो 100% मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि इन क्वेश्चन में से आपके 7 to 8 क्वेश्चन जो है मैच कर जाएंगे, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यही सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन सेकंड विल बी, जो आपके साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन या एस्ट्रोनॉमर दिए हैं पहले यूनिट में, तो उसमें से आप लोग आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, और चरक एंड सुश्रुत के बारे में पढ़ के आप लोग जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड आ सकता है कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त या चरक एंड सुश्रुत, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन सेकंड जो है ये पार्ट वाइज में बनता है, 7-7 नंबर का बनता है। ऐसा नहीं कि आपको पूछेगा व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्यभट्ट डिस्क्राइब इन द 14 मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि 14 नंबर में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। इसको पार्ट वाइज में कर सकता है कि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको आप लोग बताइए 7 नंबर में, ठीक है। और 7 नंबर में कुछ फर्दर क्वेश्चन और दे सकते हैं पार्ट वाइज में, ठीक है। तो ये 14 नंबर में एज ए सोल क्वेश्चन नहीं बनेगा, आई बात समझ में? इट विल बी आस्क्ड इन द पार्ट वाइज, ठीक है। इट विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक। क्वेश्चन थर्ड, सो क्वेश्चन थर्ड आप लोग देख लीजिएगा, इक्तदारी एंड मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। इक्तदारी एंड मनसबदारी, सबदारी सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कि व्हाट
आर दी रिफॉर्म मेड बाई मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक एंड व्हाट वाज द मार्केट रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये आप लोग करके जाइएगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5th आप लोग का है, नॉन कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मूवमेंट कॉमा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉमा क्विट इंडिया, ठीक है। ये आपको तीनों पढ़ के जाना है। मैं चाहूँ तो अभी एक दो क्वेश्चन इसमें बता दूँ, लेकिन ये अगर आप तीन क्वेश्चन ही पढ़ के जाते हो ये तीनों टॉपिक, तो आपके दो क्वेश्चन जो है सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज द एग्जामिनर आस्क द टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस थ्री टॉपिक्स, ठीक है। अगर आप पी वाई क्यू क्वेश्चन भी देखते हो तो हर साल जो है इन तीनों टॉपिक में से अल्टरनेट करके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये उससे भी कम इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है ऑन द रेंडम बेसिस। तो आपको ये तीनों पढ़ के जाना है, और तीनों पढ़ के जाते हो तो 100% एक तो 100% आएगा, ठीक है। और इसमें से दो क्वेश्चन आने की जो चांसेस है वो 80% है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आपको ये तीनों टॉपिक कवर करके जाने हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विल बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड स्टेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है। आप यही पढ़ के जाओगे तो सफिशियंट हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या होता है, इसी में स्टेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नाउ क्वेश्चन नंबर 7th विल बी, आप लोग देख लीजिएगा इसमें, रिफॉर्म विच इज मेड बाय द राजा राम मोहन राय। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट हम लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद आप लोग अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में देख लीजिएगा। अलीगढ़ मूवमेंट एज अ सोल 14 क्वेश्चन विल बी नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम इन द सब पार्ट दैट इज ऑफ द 7 मार्क्स, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट, तो इसको आप लोग बस 2-2.5 या 3 पन्ने तक ही तैयार करके जाइएगा। और जो 14 नंबर के क्वेश्चन हैं या आंसर बनेंगे उसको एटलीस्ट 5 to 6 pages जो है पढ़ के जाइएगा, मतलब उतना कंटेंट आप लोग लिख सकें अपने कॉपी में। आई बात समझ में? ठीक है। नाउ क्वेश्चन 8 विल बी, बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट देख लीजिएगा आप लोग, बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट, ठीक है। सो बी आर अम्बेडकर को देख लीजिएगा, ज्योतिबा फुले को देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। सो ये आपके 8 क्वेश्चन 3rd यूनिट तक हो गए। नाउ द 4th यूनिट विल बी, उससे हम लोग देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th, तो क्वेश्चन नंबर 9th में जो है आप लोग टाइप्स ऑफ कोड देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कोड, ठीक है। आई बात समझ में? और टाइप्स ऑफ कोड में जो है स्पेशली आप लोग गिल्ड से देख लीजिएगा, ठीक है, और कंटक शोधन एंड धर्मस थीवा देख लीजिएगा, कंटक शोधन
एंड धर्म शिवा देख लीजिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th विल बी, आप लोग चेंजेस या रिवेन्यू, रिवेन्यू रिफॉर ऑफ या बाई अकबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोर्ट में जो है एक जुडिशियल प्रोसीडिंग एंशियंट टाइम में कैसे होता था और वो काजी कौन था उसके बारे में देख लीजिएगा, काजी के बारे में यहाँ पे, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो बाकी ये जो मैं 10 क्वेश्चन बताया था, अगर इसको करने के बाद अगर टाइम बचे तो काजी के बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। सो आपके हिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश, ठीक। सो क्वेश्चन फर्स्ट विल बी, आपको इसमें टेंस के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कोई टेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। उसमें बता पूछा जाएगा कि व्हाट आर दी इनकरेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक। आपको एक्टिव वॉइस दे दिया जाएगा, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड विल बी, आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा उसको आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कौन से कंजंक्शन यूज किए गए हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको मतलब पूछा जाएगा एग्जाम में रिलेटेड टू द सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई बात समझ में। नाउ क्वेश्चन थर्ड विल बी, जैसा कि हमने आपको अर्ली अपडेट के ऐप पे लीगल टर्म्स, लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजीन, लीगल मैगजीन मैंने ऐप पे करा रखा है एंड अप्रोक्स आई हैव टीच यू अप्रोक्स 50 to 90 लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजीन। अगर अगर आप इतना करके जाते हो जो मैंने ऐप पे बताया है, सो फ्रॉम दिस लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजीन यू कैन करेक्ट योर और यू कैन डू योर 2 क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, जो मैं क्योंकि एक क्वेश्चन आता है लीगल टर्म से, एक आता है लीगल मैगजीन से, ठीक है। अगर लीगल टर्म्स या लीगल मैगजीन आप लोग कर लेते हो जो मैंने ऐप पे कराया है, तो उससे आपके 2 क्वेश्चन जो है सिक्योर हो जाएंगे। आई बात समझ में। क्वेश्चन फोर्थ विल बी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी मैंने ऐप पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अप्रोक्स 40 से 50 कराए हैं, ठीक है, और पीडीएफ मैंने अपलोड किया है उसमें। तो अगर आप इसको कर ले जाओगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जितने क्वेश्चन आएंगे वो आप कर ले जाओगे आसानी से। अब मैं बता दूं कैसे ये पूछे जाते हैं, जैसे कि लीगल टर्म या लीगल मैगजीम है तो आपको 14 लीगल टर्म या लीगल मैगजीम दे दिया जाएगा, ठीक है, 14 नंबर का। आपको ये 14 करने रहेंगे तो आपका एक क्वेश्चन क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 14 आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 नंबर के होते हैं और एक लीगल टर्म 1 नंबर के होते हैं, अगर 14 लीगल टर्म आएगा तो 14 नंबर बन गया आपका, तो मतलब एक क्वेश्चन आपने सही कर लिया। अगर 14 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया इसका मतलब 14 नंबर इसमें भी बन गया, तो आपने एक क्वेश्चन और सिक्योर कर लिया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो आपने यहीं से सिक्योर कर लिया और ये 100% आएंगे और मैंने जितने कराए हैं उसी में से आएंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके
और मैंने एक्टिव पैसिव के रूल्स भी बताए हैं ऐप पे, तो अगर आप इसको कर ले जाओगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आएंगे, तो यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन ये हो गया, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से एक क्वेश्चन आएंगे, इसको भी मैंने कराया, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। यहीं से देखा जाए तो आपके बस 2 यूनिट से कितने हो गए, 4 क्वेश्चन सिक्योर हो गए। लेकिन कब सिक्योर होंगे, जब आप पढ़ के जाओगे तब, अभी टेंस की तो मैंने बात ही नहीं की। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, नाउ क्वेश्चन फिफ्थ विल बी, आप लोग क्वेश्चन फिफ्थ में पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है इसके बारे में, पैराग्राफ लिखना कैसा है ये मत देख के जाइएगा, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के आप लोग जाइएगा, मैंने इसको भी करा रखा है। ठीक, आई बात समझ में? और क्वेश्चन नंबर 6, एसे राइटिंग, और अभी एसे राइटिंग किस टॉपिक पे आपको करके जाना है ये भी मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 में आपको रिसर्च क्या होता है, रिसर्च करना कैसे ये नहीं आपको पढ़ के जाना, रिसर्च का थ्योरेटिकल पोर्शन क्या होता है ये पढ़ के जाना है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाउ वी कैन डू द रिसर्च, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये पढ़ के जाओगे तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। और सबसे आसान पेपर इंग्लिश का ही होता है, तो इसमें डर के मत जाइएगा, हो जाएगा आराम से ये। ठीक है, और अगर टाइम बचेगा आपके पास तो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तो आपको 10 क्वेश्चन आने हैं, 5 करने हैं, तो अगर ये छोड़ भी दोगे तो कोई भी उतनी बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये एडिशनल है, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको एसे राइटिंग भी करके जाना है, तो एसे राइटिंग भी कैसे करेंगे, किस टॉपिक पे करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि एसे का कोई डेफिनेट पोर्शन है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ के जाओगे, तो उससे आपके एक क्वेश्चन जो है, मतलब उससे आपके एक टॉपिक जो है 100% आ जाएंगे। चलिए मैं एसे का टॉपिक बता देता हूँ, एसे राइटिंग का टॉपिक। तो पहला आप लोग करके चले जाइएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, देख लीजिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंटेंट क्या होता है। दूसरा टॉपिक ऑफ द एसे राइटिंग विल बी सेकुलरिज्म। ठीक, थर्ड टॉपिक विल बी बार एंड बेंच। ठीक, फोर्थ टॉपिक विल बी इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, ऑफ जुडिशरी, आई बात समझ में? फिफ्थ टॉपिक विल बी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। सिक्स्थ टॉपिक विल बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉयर्स, आई बात समझ में? सेवेंथ टॉपिक विल बी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आपको पढ़ के जाना है, इज जस्टिस डिनाइड, आई बात समझ में? और जो एट टॉपिक है वो है रोल ऑफ यूथ इन सोसाइटी, आई बात समझ में? तो इसमें से भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बाकी पढ़ के तो आपको एक बार नज़र तो सब पे मार लीजिएगा। ठीक है, यूसीसी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट देख लीजिएगा, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड देख लीजिएगा, ठीक है, और इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी देख लीजिएगा, बाकी देख के तो सब जाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान जो है जो मैंने ये इंपॉर्टेंट लगाया है इस पर देना है, लेकिन हालांकि देख के सब जाना है। ठीक, क्योंकि 8 टॉपिक है एसे राइटिंग में, एक सर्टेन डिफाइन तो मैंने कर दिया, इतना करके जाओगे तो एक टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इम्पोर्टेंट में, जो ट्रांसलेशन की बात है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश,
हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ये भी मैंने एलयू अपडेट के ऐप पे करा रखा है, ठीक है। सो हिंदी क्या रहेगा इसमें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं बता देता हूँ कि एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको एक पैराग्राफ जो है वो हिंदी में दे देगा एंड बोलेगा कि प्लीज ट्रांसलेट इट इनटू, प्लीज नहीं बोलेगा, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ठीक है। एक पैराग्राफ जो है हिंदी में दे देगा, ठीक है, आपको इसको ट्रांसलेशन करना रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कितने नंबर का पूछेगा, 7 नंबर का, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद से एक पैराग्राफ और देगा 7 नंबर का, वो रहेगा इंग्लिश में, ठीक, वो इंग्लिश में रहेगा, बोलेगा कि ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, उसको आपको हिंदी में लिखना होगा, ठीक। आई बात समझ में, ये तो हो गया आपका इंग्लिश का, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब आइए अगला देख लेते हैं, सोशोलॉजी का, सोशियोलॉजी, कौन सा कलर लें इस बार, ये चलेगा बढ़िया, नहीं, हाँ चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट, नहीं सही चल रहा है, जाइए क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूम देख लीजिएगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सोशोलॉजी स्टडी ईच एंड एवरी थिंग विच इज अंडर द सन, इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब स्कोप ही पूछ रहा है कि सोशोलॉजी हर चीज के बारे में स्टडी करता है जो कि सन या सन के नीचे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो स्कोप में वो आ जाते हैं, स्कोप को दूसरे लैंग्वेज में करके बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, बट आपको क्वेश्चन वहां पे ऑन द स्पॉट समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तो यही आएंगे, बट इट मे बी आस्क्ड इन द सम डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो आपको वो वहां पे जज करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन हालांकि बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो घुमा के देते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन सेकंड आप लोग देख लीजिएगा, सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप, ठीक है। एंड क्वेश्चन थर्ड आप लोग देख लीजिएगा, फैमिली, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। क्वेश्चन फोर्थ विल बी, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, अगस्त कॉम्ते के बारे में, अगस्त कॉम्ते के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में देख लीजिएगा, ठीक, कार्ल मार्क्स के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से इमाइल दुर्खिम के बारे में देख लीजिएगा, इमाइल दुर्खिम के बारे में। अगर आप लोग ये तीनों पढ़ के जाते हो तो आपके जो हैं दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं, और अगर टाइम मिले तो मैक्स वेबर को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेते हो, चारों जो सोशोलॉजिस्ट हैं इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे सोशोलॉजी में, ठीक है, तो अगर आप कर लोगे तो यहाँ से 100% आपके 2 to 3 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे, 2 to 3 क्वेश्चन जो है सिक्योर हो जाएंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो अगस्त कॉम्पते में कैसे पूछता है, अगस्त कॉम्पते में पूछ लेगा कि व्हाट आर द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस विच इज गिवन बाय द अगस्त कॉम्पते, तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इनका देख लीजिएगा, ठीक। अब रही बात इमाइल दुर्खिम के बारे में, तो इमाइल दुर्खिम का आप लोग देख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड थ्योरी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइट, थ्योरी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइट के बारे में देख लीजिएगा इमाइल दुर्खिम के, ठीक। और कार्ल मार्क्स का देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास स्ट्रगल,
क्लास स्ट्रगल और डिवीजन ऑफ लेबर। आई बात समझ में? और मैक्स वेबर का देख लीजिएगा, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ठीक है, जहां तक कंफर्म हो गया आप लोग को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, तो क्वेश्चन फिफ्थ में आप लोग देख लीजिएगा, सोशल चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल चेंज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज। ये चेंज है, ये साइन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स आप लोग देख लीजिएगा, पब्लिक ओपिनियन मींस, रुक जाइए, मींस ऑफ सोशल कंट्रोल में आप लोग देख लीजिएगा, पब्लिक ओपिनियन और प्रोपेगेंडा के बारे में देख लीजिएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन सेवन था आप लोग देख लीजिएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन प्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फिर मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। ये आप लोग करके चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर एट विल बी, व्हाट आर द प्रोफेशनल इथिक्स, ठीक है, इन आप लोग करके जाओगे तो 100% आपके 5 to 8 क्वेश्चन जो है मैच कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो आपके सब्जेक्ट बचते हैं वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके भी वीडियो हमारे एलयू अपडेट ऐप पे अवेलेबल है इन फुल डिटेल, ठीक। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट में आप लोग देख लीजिएगा, व्हाट इज ऑफर एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफर, ठीक है, एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफर। आई बात समझ में? क्वेश्चन सेकेंड आप लोग देख लीजिएगा,
वन सेकेंड, हाँ क्वेश्चन सेकंड आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है, उसके बाद से व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आई बात समझ में? तो इसमें आपको मैंने बताया भी था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, तो ये सब सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। क्वेश्चन थर्ड आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज कंसिडरेशन, एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल इंग्रेडिएंट ठीक है, और इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस में ये भी देख लीजिएगा कि हाउ द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ देख लीजिएगा आप लोग। माइनर एग्रीमेंट के बारे में, क्या माइनर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? ठीक, उसके बाद से आप लोग जो है क्वेश्चन फिफ्थ कर लीजिएगा। What do we understand by privity of contract or also explain its exception? आई बात समझ में? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है यहाँ तक। चलिए उसके बाद से आप लोग अगला जो देख लीजिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिएगा। हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। आई बात समझ में? ठीक है, सो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है वो है इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, कैसे, हाउ दी बाय द हेल्प ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। ठीक है, हाउ दी पर्सन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, आई होप ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेवन्थ आप लोग जो ये जो कंसेंट एंड या फ्री कंसेंट दिया है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोअर्शन क्या होता है, अंड इन्फ्लुएंस क्या होता है, या मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, या मिस्टेक क्या होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये बड़ा है कोई भी, क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई कर पाना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, सो इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िएगा, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उससे आपके 5-6 क्वेश्चन फंस जाएंगे।
तो अगर आपको टाइम बचेगा तो कंसेंट एंड फ्री कंसेंट पढ़ लीजिएगा जितना दिया आपके पांच, ठीक है? आई बात समझ में? अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर एट आप लोग देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर एट में जो है आप लोग देख लीजिएगा डैमेजेस, इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, तो सेक्शन 73 और 74 आ जाएंगे, ठीक है? लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में इसमें आ जाएंगे, ठीक है? डैमेजेस आप लोग देख लीजिएगा, डैमेजेस किस किस सर्कमस्टांसेस में अवार्ड होते हैं और डैमेजेस होते क्या हैं, मैंने ये भी वीडियो अपलोड कर दिया। क्वेश्चन नाइन्थ आप लोग देख लीजिएगा, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज गिवन फ्रॉम सेक्शन 68 to 72, ठीक है? आई बात समझ में? तो इतना आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में कर लीजिएगा, तो दिस इज मोर देन सफिशियंट। सो आई होप कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी, और इसमें समझने वाली कोई चीज़ तो है नहीं वैसे, ठीक है? तो ये मैंने इम्पोर्टेंट जो है पहले सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट थे उसका मैंने बता दिया। अगर आप इतना करके जाते हो तो बिलीव मी यू कैन फाउंड, और यू कैन फाउंड दी, और यू कैन एबल टू डू दी क्वेश्चन 5 to 8। आपको 5 to 8 क्वेश्चन जो है 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कितने करने हैं, 5 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? और मैं लास्ट में ये भी बता दूँ आप लोग को कि अगर क्वेश्चन आपके 14 नंबर में पूछते हैं, मीन्स कि अगर ये क्वेश्चन दिया वो 14 नंबर का है, 14 मार्क्स का है, सो ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन अप टू द पेज 5 to 6, मिनिमम 5 पन्ना रखिएगा, ठीक है? और मैक्सिमम 6 पन्ना, 6 से ज़्यादा भी मत कीजिए, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, मीन्स 5 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर 6 से ज़्यादा पर क्वेश्चन पे दोगे 6 पन्ने से ज़्यादा, तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो छूटने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप जैसे मान लीजिए 5 पन्ना है, तो अगर आप 4.5 पेज भी लिखते हो तो आपको ये काउंट किया जाएगा 5 पन्ने में, ठीक है? तो अगर आपने 4.5 पन्ना भी लिख लिया और आधे पन्ने का कंटेंट आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप लोग समझिएगा कि 5 पन्ना ये काउंट होते हैं, ठीक है? तो ट्राई कीजिएगा 4.5 या 5.5 पन्ना लिखने के लिए। तो 4.5 पन्ना लिखेंगे तो 5 पन्ने में काउंट होगा, 5.5 पन्ना लिखेंगे तो ये 6 पेज में काउंट होता है, ठीक है? अब पेज भी मैटर करते हैं, ऐसा नहीं कि बस कंटेंट मैटर करता है। अगर आप 2 पन्ने में कंटेंट लिख के आ जाओ पूरा, और भले ही वो जो 6-7 पन्ना लिखा है उसके कंटेंट के कंपेयर में आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, तो भी आपको नंबर उतने नहीं मिलेंगे जितना कि ये 6 पेज वाले को मिलेगा, ठीक है? आपको कंटेंट प्लस नंबर ऑफ पेजेस का भी ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर करने हैं। और सपोज अगर कोई 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको मतलब क्या होता है कि कई क्वेश्चन जो होते हैं 2 पार्ट में आ जाते हैं, 7 नंबर के 1, 7 नंबर के 1, तो 2 14 नंबर के हो गए दोनों मिला करके, तो पार्ट वाइज आएगा। तो एक पार्ट का आप लोग पेजेस में लिखिएगा उसका आंसर अप्रोक्स 2.5 to 3 पेजेस, ठीक है? तो अगर एक पार्ट का 3 पेजेस लिखते हैं और सेकेंड पार्ट का भी 3 पेज लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक 6 पेज हो गया। आई बात समझ में? तो ये है, ऐसे लिखना है। और आपको क्या है कि ऐसा नहीं कि आपको पैराग्राफ पैराग्राफ में लिखना, नहीं, आप लोग हेडिंग बना के लिखिएगा, ठीक है? जब मान लीजिए कोई भी टॉपिक हुआ, ठीक है, तो आप उसका हेडिंग बनाइएगा, फिर हेडिंग के नीचे एक पैरा लिखिएगा, फिर इसका हेडिंग बनाइएगा, सब टॉपिक करके हेडिंग बनाते बनाते लिखोगे पॉइंट वाइज करके, तो नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक? सो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को, ठीक है? सो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक? सो आप लोग ने बहुत परेशान भी कर दिया था कि भैया अपलोड कर दो अपलोड कर दो, तो मैंने आप लोग से बोला भी था कि जैसे आपका डेट शीट आ जाएगा मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सो आप लोग का अपलोड हो भी गया, ठीक? सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे लिखना है पेपर, ठीक है? तो समझ लीजिए, अगर आपको ऑफर के बारे में लिखना है, तो अगर ऑफर क्या होता है तो ऑफर का एक जनरल डेफिनेशन दे दीजिए, ठीक है? अगर कोई राइटर बोला है तो उसके बारे में लिख दीजिए कि हाँ, कि अकॉर्डिंग टू दिस दिस ऑफर का मतलब ये होता है, कहाँ पे डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट में ये बता दीजिए, ठीक है?
और कभी भी आप लोग ऐसा मत लिखिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऐसे मत लिखिएगा। आप लोग पूरा लिखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, ठीक है। सो ऑफर के बारे में पूछा तो ऑफर बता दीजिए, डेफिनेशन क्या होता है। अब इसेंशियल एलिमेंट पूछा है तो इसेंशियल एलिमेंट में पहले क्या क्या इसके इसेंशियल एलिमेंट होते हैं एक जगह पे उसको लिख दीजिए कि ऑफर क्या होता है। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, ठीक है। इट इज इट शुड बी क्रिएट द लीगल रिलेशन, ठीक है। ऑफर मस्ट बी प्रिसाइज एंड डेफिनेट, ठीक है। तो ये सब एक जगह पे जितने इसेंशियल एलिमेंट हो उसके यहाँ पे लिख दीजिए। फिर एक एक करके पहला इसेंशियल एलिमेंट ये है, फिर उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, फिर दूसरा यहाँ पे लिखे, फिर दूसरे के बारे में यहाँ पे लिख करके फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, जो केसेस है उसी हेडिंग के अंडर में उसको लिखिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को करना है। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड यस डू लाइक एंड सब्सक्राइब दी एलयू अपडेट ऐप, एंड एज वेल एज डाउनलोड एलयू अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है। कहाँ से करना है? गूगल प्ले स्टोर से करना, ठीक है। सो बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।